गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो गाइस कि आप सब ठीक है। सो गाइस आज अगेन हम करने वाले हैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू। गाइस रिव्यू करने में मैं इतना कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मुझे पता है हम बात करने वाले हैं हमारे गार्नियर व्हाइट कंप्लीट सीरम क्रीम के बारे में। सो मुझे 4-5 दिन हो गए हैं इसको यूज करते करते, सो नाउ आई नो हाउ इट वर्क्स। सो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें मुझे, और अगर आप मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। अप्लाई करके दिखाती हूँ। नाउ आई एम बिल्कुल बियर्ड फेस, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया अपने फेस के ऊपर एक्सेप्ट लिपस्टिक एंड ब्राउज। सो पहले हम इसको लगाते हैं देन बताती हूँ आपको कि हाउ आई फील एंड इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो आप इसे अपनी हैंड से ही लगा सकते हो। सो गाइस आप देखिए मैंने इसको अपनी स्किन पे लगा लिया है, कुछ ऐसी सी मेरी स्किन यहाँ पे हो गई है। सो हल्का सा ब्लश लगाते हैं पहले। सो गाइस मैंने हल्का सा अपने फेस पे ब्लश लगा लिया है, अभी आप मेरा फेस देखें कुछ ऐसा सा हो गया है। ठीक है गाइस, पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में, उसके बाद बताऊंगी मैं आपको कि मैंने इसके बाद इसको लेके क्या फील किया है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इस वीडियो में कैच करने वाले हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखा है गार्नियर स्किन नेचुरल ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी। गाइस दिस इज सीरम क्रीम, पहले जस्ट क्रीम था अभी ये सीरम क्रीम हो गया है विद यूवी। ठीक है गाइस, इसमें हमें कितना यूवी प्रोटेक्शन मिल रहा है वो इस पे मेंशन नहीं है। सो मेक श्योर कि आपको जहन में ये नहीं रखना है कि मैंने इसको लगाया तो मुझे सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि गाइस स्किन को ब्राइटन अप करेगी और हमारे स्किन जितने भी डार्क स्पॉट है ना उसको कम करेगी इन अ वीक। इसमें 3 गुना ज्यादा, जो हमारे पहले क्रीम था ना उसमें लेमन था, बट अभी सीरम क्रीम है इसमें उन्होंने यहाँ पे 3 गुना ज्यादा विटामिन सी दिया है। विटामिन सी तो है ही, साथ में एक यूजू लेमन करके जो एक लेमन है, वो यूजू लेमन है ना, वो बेसिकली यू नो जैपनीज लेमन है जो इसमें ऐड किया हुआ है, और यू नो वो स्पेशली डार्क स्पॉट के लिए ही होता है, जो यू नो स्पॉट्स के लिए पे ही वो, जो स्पेशली यू नो डार्क स्पॉट पे ही वर्क करता है और उसके लिए ही बनाया गया है। प्रोडक्ट ना 100% क्वालिटी फ्री भी है, बार कहा है यू नो हमारे के डार्क स्पॉट को फेड करेगा, डार्क स्पॉट को फेड करेगा। सो स्पेशली यू नो स्किन को गोरा दिखाने में और हमारे डार्क स्पॉट पे ज्यादा वर्क करने के लिए ही बनी है ये। प्राइस है ना 199 है, मीन्स 200 रुपीज प्राइस है, बट को अमेजोन पे लिया था मैंने, मुझे 155 का बहुत आराम से मिल गया, डिस्काउंट चलता रहता है। वैसे भी 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ मिलती है इसकी, हमें 45 ग्राम का प्रोडक्ट है हमारा। यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया यू नो कि हमारे जो क्रीम है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है और स्किन के डीप अंदर तक जाती है। गाइस इन्होंने क्लेम किया यहाँ पे 3 टाइप के स्पॉट्स है जिनको कवर करता है, एक हमारा डार्क स्पॉट तो है उस पर वर्क करता है, एक हमारा जो यूवी स्पॉट है मीन जो धूप की वजह से हो जाता है उस पर वर्क करता है, थर्ड जो पिंपल का स्पॉट होता है उस पर भी वर्क करता है। डल हो गई है पिंपल की वजह से स्किन खराब रहती है, उसको यू नो पिंपल्स को फेड करेगा इन आ वीक, इंस्टेंटली फेस को यू नो ग्लो देता है और इंस्टेंटली फेस को ना ब्राइटन अप दिखाता है, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। UVA एंड UVB है यू नो जो सन से प्रोटेक्शन देगा। एज आई सेड इन्होंने यहाँ पे SPF नहीं दिया है, सो मेक श्योर इसको लगाने से पहले यू अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन। एंड गाइज दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। गाइस इन्होंने यहाँ पे लगाने का तरीका दिया हुआ है कि आपने लेना है और अच्छे से इसको अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करना है, और जो फेस का डेलिकेट एरिया है मीन्स हमारी आईज वगैरह हो गई, तो मेक श्योर कि उसके अंदर हमारी क्रीम ना जाए। बेहतर रिजल्ट ना आप इसका फेस वॉश एंड इसका सीरम क्रीम भी यूज कर सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। इसका सीरम का रिव्यू मैंने किया है, नहीं देखा है, मैं लिंक डाल दूंगी आप देख लेना, तरह का सारे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। गाइस आउटर बॉक्स के बारे में मैंने बता दिया है, अब आ जाते हैं हमारे इनर बॉक्स पे। गाइस ये ना पहले कांच में आता था बट अभी ये प्लास्टिक में आता है, और इस पे अगेन यहाँ पे लिखा है गार्नियर स्किन नेचुरल व्हाइट कंप्लीट विटामिन सी क्रीम विद यूवी। और यहाँ पे इसकी गाइस अच्छी बात ना, इसके जो जार पे भी ना इसकी शेल्फ लाइफ और इस प्राइस सब कुछ मेंशन किया है, ये ना हो ना कि इसकी शेल्फ लाइफ कितने पता ही नहीं, हम यूज करे जा रहे हैं और बॉक्स को लेके तो हम घूम नहीं सकते। तो एक यू नो व्हाइट कलर की क्रीम है ये, पूरी व्हाइट क्रीम है, और यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है सी, मैं इसको अच्छे से अब्सॉर्ब करती हूँ। और इससे हमने लगाया है और इसमें हमने
नहीं हो जाता। ठीक है, आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई इस पर जो जो लिखा था वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आप सुने कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इससे क्या है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्मेल, यू नो, अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम होती है तो आपको इससे प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। और ऐसा नहीं है कि रहती है बहुत टाइम तक, ना 10-15 आधा घंटे मिनट बाद ये चली जाती है, नहीं रहती, पर जिस टाइम आप लगाते हैं ना उस टाइम यू नो पूरा रूम आपका महक जाएगा कि आपने कुछ लगाया है। सेकेंडली इफ़ यू आर ड्राई टू वेरी वेरी ड्राई स्किन, देन आपको ये क्रीम बहुत ड्राइनेस फील कराएगी। अगर आप इसको लगा रहे हैं देन मेक श्योर कि आप एक अच्छा सा सीरम लगा के या फिर मॉइस्चराइज लगा के ही इसको आप लगाएं, अदरवाइज वैसे ना आपको बहुत ड्राइनेस फील कराएगा। थर्ड गाइज, अगर आप यू नो डार्क टू वेरी वेरी डार्क स्किन टोन के हैं ना, तो ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज ना पूरा वाइट इन कलर। तो अगर आप डार्क स्किन पे इसको लगाएंगे ना, इट विल नॉट लुक गुड एट ऑल। लगाने के बाद ना स्किन को यू नो मैट फील कराता है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज यू नो स्किन को बहुत मैट फील कराता है, यू नो ड्राई नहीं कह सकते बट यू नो मैट फील कराता है। अब बात स्पॉट की, या फिर गाइज स्पॉट मेरे फेस पे इतने नहीं है, बट यू नो हल्का सा यहाँ पे मेरे को डार्क नहीं उसको, हाँ ब्लैक ही डार्क सर्कल टाइप है, तो उसको इसने कवर नहीं किया है। और लगाने के ना बहुत टाइम तक स्किन यू नो गोरी लगती है। ये नहीं है कि आपने लगाया आपको आधे घंटे बाद स्किन गुचल आ गया, नहीं है। तो बस काफ़ी टाइम तक स्किन बहुत गोरी लगती है, ये एक फैक्ट है इसका। और यू नो बट स्टिल स्किन पे ना ग्लो नहीं रहता है, यू नो एक मैट काइंड ऑफ फील इससे आता है, जो कि मुझे स्पेशली पर्सनली मैट चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो ऐसा कुछ इसके साथ होता है। और अगर यू नो इसको लगाने से पहले अगर आप मॉइस्चराइज लगाया देन बहुत यू नो स्प्रेड होता है। अगर आपने कोई मॉइस्चराइज नहीं लगाया है तो स्प्रेड करने में यू नो हल्का सा लगता है कि यू नो एक जगह पे ज़्यादा लग गया, एक जगह पे कम लग गया, सो वो वाली फीलिंग आती है। या गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप आपने इन्जॉय किया है, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा है। कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर से आंसर दूंगी। सो या गाइस आई होप आपने वीडियो इन्जॉय किया है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी जाके सब्सक्राइब करो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू।